देखिए, मैंने उनसे दो बातें कही है। एक तो अपने विधानसभा हमारे यहाँ कैसे गठित होती है और विधानसभा का गठन के बाद संचालन कैसे होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के क्या कर्तव्य और उनके दायित्व होते हैं, एक माननीय मंत्री और विपक्ष के नेता के क्या दायित्व होते हैं, कैसे विधानसभा चलती है, संचालित होती है, नियमों के और परंपराओं के अनुसार चलती है, सारी बातें मैंने उनको बताई। और दूसरी ओर वो बात भी मैंने उनके सामने रखी कि यदि माना कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो तभी निर्वाचित हो सकता है आज की परिस्थिति और स्थिति में कि जब वो जनता के बहुत नज़दीक रहता है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद है भगवान का और जनता का भी कि मैं लगातार तीसरी बार अपने विधानसभा क्षेत्र से और हर बार बढ़त लेते हुए मैं विधायक चुना जा रहा हूँ। उसका मात्र मैं कारण ये भी समझता हूँ, जहाँ मेरे भगवान का मेरे पर आशीर्वाद है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का आशीर्वाद है, वहीं जनता से लगातार मेरा, चाहे मुझे दुख सुख में कहीं जाना हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या विकास की बात हो या दुख सुख में कोई भी घटना ऐसी घटती है, और ज़्यादातर समय मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में देना चाहता हूँ, देता हूँ, तो मुझे लगता है वो भी एक कारण हो सकता है। और यही काम यदि हम सब लोग, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो करें और किसी प्रकार का अहंकार हमारे बीच में ना हो। आज मैं माना अध्यक्ष विधानसभा हूँ तो मुझे इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तत्कालिक है। यदि हमें लंबा राजनीतिक जीवन चलाना है तो निश्चित रूप से हमें कोई भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये बातें मैंने उनसे कही है।